ओके, अ वेरी गुड मॉर्निंग. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन 19 वाज योर होमवर्क. मैंने आपको बोला था कि ट्राई करो, उसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है. तो लेट्स डिस्कस द होमवर्क इटसेल्फ. कितने लोगों ने किया एक्चुअली सॉल्व? ओके, तो फर्स्ट, ऋतिक लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बुक वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर. इक्विटी शेयर 1500 मिलियन, रिजर्व एंड सरप्लस 2250 मिलियन, प्रेफरेंस शेयर 100 मिलियन, 9.5% डिबेंचर 50 मिलियन एंड 8% टर्म लोन 500 मिलियन. द डिबेंचर्स ऑफ ऋतिक आर रिडीमेबल आफ्टर 3 ईयर्स एंड आर करेंटली कोटेड एट 981.05. द टैक्स रेट इज 35%. द करेंट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज 60 एंड द प्रिवेलिंग डिफॉल्ट रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट ऑन अ 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बॉन्ड इज 5.5. ये क्या बन गया? आरएफ. क्या बन गया? आरएफ. द एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम, ये क्या बन गया? आरएम माइनस आरएफ, रिस्क प्रीमियम. ओके, उसके बाद द बीटा ऑफ द कंपनी इज 1.1875. तो आप कौन सा मॉडल यूज करके कैलकुलेट करोगे? सीएपीएम, सिंपल है. द प्रेफर्ड स्टॉक ऑफ द कंपनी इज रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर इज करेंटली सेलिंग एट 98.15 per share. कैलकुलेट WACC यूजिंग मार्केट वैल्यू अप्रोच. अब देखो, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपने निकाला रहेगा. के ई इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ, जिसमें आर एफ कितना था आपका? हाँ हाँ, 5.5%, करेक्ट है. 5.5% प्लस बीटा कितना है? 1.1875 इंटू रिस्क प्रीमियम 8%, कितना आया? टोटल 15% आया. के ई सभी को आया, ये परफेक्ट है, ठीक है. उसके बाद रिजर्व्स का कॉस्ट लिख के फायदा भी नहीं है, मार्केट वैल्यू अप्रोच करेक्ट है. तो रिजर्व, कॉस्ट ऑफ रिजर्व की जरूरत नहीं है. कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर केपी इज इक्वल टू पीडी प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइड बाय एन होल डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, तो ये पीडी हो जाता है कितना? 10.5. आरवी कितना होता है? कितना दिया है? 100 रुपीज. माइनस एनपी कितना दिया है? 98.15 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, 5 ईयर्स दिया है, करेक्ट है. होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस 98.15 डिवाइड बाय 2 इनटू 100. आप बहुत दिनों बता रहे हो. ओके, 98.15 डिवाइड बाय 2 इनटू 100. ओके, अब मुझे बताओ परसेंटेज कितना आएगा? 10.97%. क्लियर. उसके बाद कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, के डी इज इक्वल टू आई 1 - t प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइड बाय एन होल डिवाइड बाय आर वी प्लस एन पी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, अब आई कितना है? 95,000 रुपीज़ का डिबेंचर है, तो पर डिबेंचर 95 रुपीज़ मिलेगा. 1 - tax rate, टैक्स रेट कितना दिया है? 35%, तो 0.35 प्लस आर वी कितना है? 1000 माइनस 981.05 होल डिवाइडेड बाय हाउ मेनी इयर्स? 3 ईयर्स. ओके, तो ये आपका हो गया. क्या कंप्लीट हुआ? कितना आंसर आया बताओ? 6.872%. डन. शुड आई प्रोसीड? कॉस्ट ऑफ टर्म लोन क्या आएगा? इंटरेस्ट रेट 1 - टैक्स रेट, करेक्ट है. तो कॉस्ट ऑफ टर्म लोन के डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट 1 - टैक्स रेट. इंटरेस्ट रेट इज 8.5
इंटू 0.35 कितना हो गया ये 5.525% ये इंडिविजुअल कॉस्ट खत्म हो गया, सबको राइट आया क्या, कितने लोगों सही आया, प्लीज हाथ ऊपर, ओके मेजॉरिटी। अब यहाँ पे बाकी दोनों का क्या होमवर्क आया आंसर, आधा हाथ ऊपर करना है भाई, हाँ वहाँ पे तो लिखना है ना, अभी अपने आप लिख नहीं रहे, लिखना है पैरेलल ये पूरा लिखना है, एक सेकंड लिखो पहले, लिखा है ना, कहाँ पे गड़बड़ हुआ है, लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है, आंसर सही आया नहीं आया, नहीं आया ना, तो बुक बताओ प्लीज, इधर बताओ बुक लेकर आओ, हाँ बाकी लोग लिख रहे हैं ना जिन्होंने होमवर्क नहीं किया, लिखो लिखो, जिन लोगों ने नहीं किया कंप्लीट करो प्लीज, क्या कर रहे हो, हाँ बट जितना किया उतना तो पता, इंडिविजुअल कॉस्ट तक किया ना, तो यहाँ तक तो आया ना एटलीस्ट, क्या गड़बड़ हो गया इसमें, 15% सही है, 10.9 ये भी सही है, 6. करेक्ट है, अब आगे का ट्राई करो, वो जमा नहीं क्या, कोई दिक्कत, हाँ लिखा इंडिविजुअल कॉस्ट। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, मार्केट वैल्यू, ये जो था इसका मार्केट वैल्यू इम्पोर्टेंट था, ठीक है ना, सबने लिखना है, ठीक है ध्यान से, अगर नहीं लिखा होगा तो सोर्स मार्केट वैल्यू वेट्स इंडिविजुअल कॉस्ट एंड KO, सोर्स मार्केट वैल्यू वेट्स इंडिविजुअल कॉस्ट एंड KO, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसके बाद डिबेंचर एंड देन लोन, एक सेकेंड, अब देखो प्लीज सबने क्वेश्चन पे आ रहा है, एक मिनट यहाँ से बुक शेयर करना है ना, बुक शेयर करो आगे पीछे जल्दी जल्दी, हाँ इक्विटी शेयर कैपिटल, सबसे पहले फेस वैल्यू कितना है इक्विटी का चेक करो प्लीज, 10 rupees इज द फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इज इक्विटी शेयर इज 60, करेक्ट है, तो टेक कैलकुलेटर, 150 मिलियन शेयर्स है तो 150 इंटू 60 9000 मिलियन हो गए, है ना, रुपीज इन मिलियन, 150 मिलियन शेयर्स है तो 150 इंटू 60 रुपीज 9500 मिलियन, ये सही हो गया, ओके अब प्रेफरेंस शेयर्स जो है 1 मिलियन इंटू कितना आपका प्रेफरेंस है 98.15 तो ये होगा 98.15 मिलियन, यहाँ पे गड़बड़ होती है स्टूडेंट की, तो यहाँ पे सही होना चाहिए, देखो टेक कैलकुलेटर 1.5 मिलियन डिबेंचर्स 1.5 इंटू 981.05 क्या है डिबेंचर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इंटू 981.05 कितना हो रहा है ये 1.475, ओके उसके बाद लोन विल रिमेन द सेम टोटल 1106.9725 ओके तो ये आपका हो गया टोटल, ये डिफिकल्ट है, अब बाकी इतना यहाँ तक लिखो और बाकी अपने होमवर्क में ट्राई करना है KO, अभी तो आ जाएगा ना आपको, अरे हाँ या नहीं, अभी तो क्या इंडिविजुअल कॉस्ट आता है, वेट्स आप निकालोगे और KO निकालोगे, क्या आंसर आ रहा है KO का फाइनल 13.4558% लगभग 13.45% के आसपास है, ठीक है, तो जिन लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ है वो ये पार्ट कंप्लीट करेंगे सब लोग, बाकी जितने भी है करेक्ट। अब क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे आना है, सभी ने आना है प्लीज, क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे आना है, सेकेंड पार्ट, डिफाइन द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्केड्यूल फॉर द फर्म इफ इट रेजेस 750 मिलियन फॉर द न्यू प्रोजेक्ट, देखो मार्जिनल कॉस्ट निकाला है मतलब नए कैपिटल का ही कॉस्ट, टोटल कैपिटल का कॉस्ट नहीं निकाला है, ऑलरेडी कंपनी में कुछ कैपिटल है
नया जो कैपिटल आया रेस किया उसका क्या कॉस्ट है, तो दैट इज मार्जिनल कॉस्ट. ओके बात, जैसे एग्जाम्पल है मेरे पास ऑलरेडी 50 करोड़ रुपए फॉर्म के अंदर है. ओके, मैंने और 5 करोड़ रेज किया तो मुझे सिर्फ 5 करोड़ का कॉस्ट निकालना है, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट. एग्री करते हो मैं क्या बोल रहा हूँ? द कॉस्ट फॉर रेजिंग द एडिशनल फंड, द कॉस्ट फॉर रेजिंग द एडिशनल फंड इज मार्जिनल कॉस्ट. तो ऑलरेडी कुछ कैपिटल फॉर्म में है उसका एवरेज कॉस्ट निकाल लिया हमने, करेक्ट है. अब नया कैपिटल आ रहा है, कितना आ रहा है? 750 मिलियन. कितना आ रहा है? 750 मिलियन. तो उसका कॉस्ट क्या है? ओके, तो देखो, फर्म प्लान्स टू हैव अ डेट टू वैल्यू रेशियो 20%, करेक्ट है. अब देखो, द बीटा ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट इज 1.4375 एंड द डेट विल बी रेस्ड थ्रू टर्म लोन. इट विल कैरी 9.5% फॉर द फर्स्ट 100 मिलियन एंड 10% फॉर द नेक्स्ट 50 मिलियन. तो देखो कंपनी कितना पैसा रेस कर रही है? 750 मिलियन. कंपनी इसको दो रेशियो में मेंटेन कर रही है, डेट इज टू इक्विटी. ओके, अब डेट 20% है, इक्विटी 80% है. तो 20% मतलब ये 150 मिलियन हो गया और ये कितना होता है? 600 मिलियन हो गया. अब ये 150 मिलियन के लिए भी अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है. 100 मिलियन के लिए आप पे कर रहे हो कितना? 9.5%. एंड 50 मिलियन के लिए कितना पे कर रहे हो? 10%. अरे हाँ या नहीं? करेक्ट है. और यहां पे इक्विटी के लिए बीटा कितना हो गया? 1.4375. अरे हाँ या नहीं? करेक्ट है. तो अभी आपको सिर्फ 750 मिलियन का निकालना है या टोटल निकालना है? सिर्फ 750. तब जाके हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल कॉस्ट. क्या बोलेंगे? मार्जिनल कॉस्ट. लिखो आप पार्ट बी. पार्ट बी, ये चार्ट बनाओ पहले. पार्ट बी डायग्राम बनाओ. 750 मिलियन को दो टाइप में डिवाइड करो. डेट 20%, 750 मिलियन को दो टाइप में डिवाइड करो. डेट 20%, इक्विटी 80%. डेट 20%, इक्विटी 80%. ओके, तो डेट होता है 150 मिलियन और इक्विटी होता है 600 मिलियन, करेक्ट. 150 मिलियन में भी लोन अलग अलग रेट पर आता है. 100 मिलियन 9.5% पे आ रहा है. 100 मिलियन 9.5% पे आ रहा है. करेक्ट. एंड 50 मिलियन 10% पे आ रहा है. लिखा सबने? ओके, अब आप क्या करोगे? पहले KE निकालोगे, फिर KD ऑफ 9.5% लोन निकालोगे और KD ऑफ 10% लोन निकालोगे और फिर क्या निकालोगे? WACC. समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले इन तीन कैपिटल का क्या निकालना है? इंडिविजुअल कॉस्ट. और एक बार इंडिविजुअल कॉस्ट निकाल लिया तो फिर क्या निकालोगे? एवरेज कॉस्ट. एवरेज ऑफ टोटल कॉस्ट है या एवरेज ऑफ मार्जिनल कैपिटल है? मार्जिनल कैपिटल, करेक्ट है. तो नीचे लिखना है पहले, फर्स्ट कॉस्ट ऑफ 9.5% डेट. कॉस्ट ऑफ 9.5% डेट. ओके, तो KD इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट, 1 माइनस टैक्स रेट ले लेंगे. अमाउंट से वैसे फर्क नहीं पड़ रहा है. KD इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट, 1 माइनस टैक्स रेट.
कितना आंसर आ रहा है? 6.175% केड़ी सेकेंड कॉस्ट ऑफ 10% डेट केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स रेट. थर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी. अभी इक्विटी का रिस्क चेंज हो रहा है ना, लोन आने से इक्विटी वालों का रिस्क बदल रहा है, तो वो लोग के एक्सपेक्टेशन चेंज हो रहे हैं. एक्सपेक्टेशन चेंज हो रहा है तो कॉस्ट चेंज होगा. क्लियर है? कौन सा फॉर्मूला? के ई इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ. कॉस्ट ऑफ इक्विटी सीएपीएम मॉडल. अरे हाय नहीं, केडी इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ. करेक्ट है? तो आर एफ कितना बताओ मुझे? हाँ हाँ 5.5% करेक्ट है. प्लस बीटा कितना है? 1.4375. चेंज हो गया ना बीटा, करेक्ट है. इनटू रिस्क प्रीमियम कितना है? 8%. तो अभी के ही कितना हो गया? 17%. अरे ओके, तो अभी आप क्या निकालोगे? डब्ल्यू एस सी सी ऑफ व्हाट? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको निकालना है. करेक्ट है? एक लाइन लीव करो, वहां पर लिखना है फोर्थ पार्ट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एडिशनल कैपिटल. सोर्स वैल्यू वेट्स इंडिविजुअल कॉस्ट के ओ. सोर्स वैल्यू वेट्स इंडिविजुअल कॉस्ट एंड के ओ. सोर्स में 9.5% डेट, 10% डेट एंड इक्विटी. नया इक्विटी का नया कॉस्ट 9.5% 100 मिलियन रुपीज इन मिलियन, 50 मिलियन 600 मिलियन, टोटल 750 मिलियन. 100 डिवाइड बाय 750, 50 डिवाइड बाय 750 एंड 60 डिवाइड बाय 75. एक एक जीरो कम किया तो भी चलता है. What was the individual cost? Tell me. कितना individual cost था? 6.175%. 6.5% and कितना? 17%. Correct. तो अभी KO find out करो.
चलो आंसर बताओ, के ओ कितना है? हाँ हाँ, 14.85% के ओ, ठीक है। तो ये हो गया आपका 14.85% फॉर द न्यू कैपिटल रेज, नॉट फॉर द टोटल कैपिटल रेज। एक क्वेश्चन में हमने टोटल लिया था कि रेज करने के बाद टोटल कॉस्ट कितना है। देखो एक क्वेश्चन था, पे 80 लाख लाए थे और 20 लाख और लाए थे, टोटल 1 करोड़ का कैपिटल क्या है, बट यहाँ पे सिर्फ एडिशनल फंड का हमने कॉस्ट निकाला, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। ओके, तो अब इसका इंडेक्स कंप्लीट करो, 19th क्वेश्चन का इंडेक्स। ओके, 19th क्वेश्चन पे आना है इंडेक्स। कैलकुलेशन ऑफ WACC एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ WACC एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ WACC एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलो बताओ कितने रह गए क्वेश्चन सर, 7-8? हाँ हाँ, 32 का लिखा इंडेक्स, 32 का इंडेक्स लिखा है क्या? लिख दिया, करेक्ट है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31, इंस्टीट्यूट मटेरियल क्वेश्चन है, ICAI मटेरियल से लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, इसको डिस्कस तो करेंगे। 31 इंस्टीट्यूट मटेरियल क्वेश्चन, मैस्को लिमिटेड विशेस टू रेस एडिशनल फाइनेंस ऑफ 10 लाख फॉर मीटिंग इट्स इन्वेस्टमेंट प्लान, इट हैज 2,10,000 इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉलोइंग आर द डिटेल्स इन दिस रिगार्ड, डेट इक्विटी रेशियो 30% to 70%, कॉस्ट ऑफ डेट अप टू 1,80,000 इज 10% बिफोर टैक्स and beyond 1,80,000 is 16% before tax, EPS is 4 rupees, dividend payout ratio is 50% of earning, जो भी आप कमा रहे हो उसका 50% dividend बांट रहे हो, आपने कमाया 4 रुपये, उसका 50% dividend बांटा, मतलब आपने dividend कितना दिया, 2 रुपये, 2 rupees, अरे हाँ या नहीं। What is dividend payout ratio, out of the earning how much dividend you are paying, correct है, तो that is dividend payout ratio 50%, मतलब वॉट एवर यू अर्न 50% यू विल पे एज डिविडेंड, हाउ मच यू हैव अर्न्ड 4 rupees, करेक्ट, आउट ऑफ विच 50% यू आर पेइंग एज डिविडेंड, तो 2 rupees यू आर पेइंग एज डिविडेंड, क्लियर लॉजिक, एंड 2 rupees यू आर ट्रांसफरिंग टू रिजर्व्स, करेक्ट है। ये देखो, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन द डिविडेंड इज 10, करंट मार्केट प्राइस इज 44, टैक्स रेट इज 50%, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द पैटर्न फॉर रेजिंग एडिशनल फाइनेंस, कि कैसे कैसा पैसा रेज होगा, ठीक है, एंड सेकेंड टू डिटरमाइन द पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट केडी, करेक्ट है, एंड टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इंडिविजुअल कॉस्ट हो गया सर, एंड लास्ट इज कॉम्प्यूट द ओवरऑल वेटेड एवरेज आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ एडिशनल फाइनेंस। इन शॉर्ट आपको पैटर्न बनाना है पैसा कैसा कैसा रेज होगा, ओके, उसके बाद आपको केडी निकालना है, केई निकालना है, और आपको फिर WACC निकालना है। डिफिकल्टी विल लाइ व्हाट इज द पैटर्न एंड देन कैलकुलेशन। चलो आपको मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, देखते हैं कितने लोग इसको क्रैक कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, थोड़ा टफ जाएगा नो डाउट, इट विल नॉट बी ईजी बट यू कैन ट्राई। हिंदू क्या हिंट ये है, पैसा कितना रेज करना है, 10 लाख, एडिशनल फाइनेंस कितना रेज करना है, 10 लाख, ठीक है ना बात। अब वो 10 लाख को 2 रेशियोज में डिसाइड करेंगे हम, डेट इक्विटी रेशियो, डेट कितना है 30% एंड इक्विटी कितना है 70%, करेक्ट है, इक्विटी 70% है। ओके, अब ये देखो डेट में भी दो टाइप है, अप टू 1,80,000
कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 10%. तो रिमेनिंग 1,20,000 30% है, 3 लाख रुपीज आएगा ना, तो कितना परसेंट आएगा? 16. ओके, अब उसके बाद आप इक्विटी में, आपके पास ऑलरेडी पिछले साल का प्रॉफिट है, तो रिजर्व से पैसा आप इन्वेस्ट करोगे, करेक्ट है? ऊपर लिखा है इट हैज 2,10,000 इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट. तो नया इक्विटी क्यों इशू करेंगे? तो रिजर्व कितना है? 2,10,000. तो फ्रेश इक्विटी शेयर्स या न्यू इक्विटी शेयर्स, ये 7 लाख में से 2,10,000 गया तो कितना होगा? 4,90,000. ये हो गया पैटर्न ऑफ रेजिंग फंड. अरे हाँ या नहीं, समझा कि नहीं है? देखो क्वेश्चन रीड करो, आपको समझेगा. मैस्को लिमिटेड विशेस टू रेज एडिशनल 10 लाख रुपीज फॉर मीटिंग इट्स इन्वेस्टमेंट प्लान. इट हैज 2,10,000 इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट. मतलब कंपनी ने कुछ रिजर्व में पैसा रखा है, वो हम इन्वेस्टमेंट की मैं. फर्दर डिटेल्स आर डेट इक्विटी रेशियो कितना है? 30:70, करेक्ट है. कॉस्ट ऑफ डेट अप टू 1,80,000 इज 10% एंड कॉस्ट ऑफ डेट बियॉन्ड 1,80,000 इज 16%. अर्निंग पर शेयर इज 4 रुपीज. डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 50% एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन द डिविडेंड इज 10%. करंट मार्केट प्राइस इज 44 एंड टैक्स रेट इज 50%. क्वेश्चन ए, डिटरमाइन द पैटर्न फॉर रेजिंग द एडिशनल फाइनेंस. ये पैटर्न देख लिया हमने, इसको पहले चार्ट में भी लिखेंगे और टेबल में भी लिखेंगे. चार्ट में लिखो ये पहले. क्वेश्चन 31, पैटर्न ऑफ रेजिंग एडिशनल फाइनेंस. पैटर्न ऑफ रेजिंग एडिशनल फाइनेंस. Pattern of raising additional finance. लिखा ओके. इसके नीचे सेम वे हम टेबल फॉर्मेट, टेबल मतलब प्रॉपर, पर ये तो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए था, ऐसे एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है. प्रॉपर सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट समझ है. बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं वैसा लगभग, करेक्ट. आप क्या करोगे? डेट. ओके, आप फिर क्या करोगे कि इतना परसेंट डेट, इतना इनर कॉलम आउटर कॉलम, करेक्ट है. तो एक लाइन लीव करो, वापस से लिखना वहाँ पर सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट. ये लिखा है ना सबने? यस और नो? ओके, तो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, एंड अमाउंट, अमाउंट एंड अमाउंट. ओके, सीरियल नंबर ए, इक्विटी. इक्विटी के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व्स लिख दो ए. इनर कॉलम 2,10,000. ये ब्रैकेट में लिखो 70% है इक्विटी. इनर कॉलम 2,10,000. बी पार्ट न्यू इक्विटी शेयर्स. न्यू इक्विटी शेयर्स 4,90,000. आउटर कॉलम
7 lakh. Four lakh 90 outer column, 7 lakh. Leave one line, write down B, debt. Debt bracket में 30%. जैसे present करना है ऐसे ढंग से exam. Pattern of raising additional finance. ये थोड़ा professional है. Okay. तो debt उसमें पहला क्या लिखोगे, 10% debt और loan जो भी हो. Inner column कितना था वो, अब 1 lakh 80 rupees. एंड बी 16% डेट, इनर कॉलम 1 lakh 20, आउटर कॉलम 3 lakh, एंड टोटल फंड्स रेस्ड इज 10 lakh. टोटल फंड्स रेस्ड इज 10 lakh. ये हो गया क्वेश्चन का पार्ट ए. अब क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द पोस्ट टैक्स, मतलब आफ्टर टैक्स इफेक्ट. वो तो वैसे भी टैक्स एडजस्ट करना ही पड़ता है हमें, वो नहीं भी लिखे. और वो लिखे कि डिटरमाइन द एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेब्ट. एवरेज कॉस्ट बोला है, इंडिविजुअल कॉस्ट बोला है, एवरेज कॉस्ट बोला है, एवरेज कॉस्ट. तो एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं, दोनों का केडी निकाल कर आ जाता है. ऐसा नहीं होता है, आपको क्या निकालना है, एवरेज कॉस्ट ओके ऑफ एडिशनल डेब्ट. कैसे निकालोगे, अरे सिंपल है, देखो ना स्ट्रेट टोटल इंटरेस्ट पेड. अब जस्ट देखो, कोई लिखेगा नहीं, मैं जस्ट रफली लिख रहा हूँ. ओके, 1 lakh 80 per 10% है. 1 lakh 80 per कितना है, 10%. तो कितना हो गया, 18,000 प्लस 1 lakh 20 per 16% है. टेक कैलकुलेटर, 1 lakh 20 per 16%, हाँ हाँ 19,200. टोटल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई टोटल अमाउंट इंटू 100, इसको 1 माइनस टैक्स करेंगे. टोटल इंटरेस्ट टोटल अमाउंट इंटू 100, इसके बाद भी कर सकते हैं 1 माइनस टैक्स है. समझ रहे हैं, एवरेज कॉस्ट निकाल रहे हैं किसका, डेट का, सभी डेट का. तो टोटल इंटरेस्ट कितना पड़ा दोनों पे, टोटल अमाउंट कितनी है, ठीक है ना बात. इसको आप एडजस्ट कर लो, 1 माइनस टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, आफ्टर टैक्स का बेनिफिट चाहिए, और इंटू 100. तो ये देखो टोटल इंटरेस्ट कितना होता है, 37,200. अरे हाँ कि नहीं, 1 माइनस टैक्स रेट, टैक्स रेट कितना दिया, 50% 0.5 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100, बताइए 6.2%. चलो मॉड्यूल से देखते क्या किया इन्होंने. समझ रहे, जस्ट विल गो बिकॉज इट्स इंस्टीट्यूट मटेरियल क्वेश्चन, एक जस्ट होल्ड करो, देखते हैं. ये सही हो गया अपना, ये अपना सही हुआ ना. इक्विटी शेयर इज 4 lakh 90, रिटेन अर्निंग इज 2 lakh, डेट इंटरेस्ट रेट 10%, 1 lakh 80, डेट इंटरेस्ट रेट 16%, 1 lakh 20, टोटल फंड रेज इज 10 lakh. खत्म हो गया. अब ये देखो एवरेज 6.2% आ गया, टोटल इंटरेस्ट, अरे यस और नो, 6.2% मैच हो रहा है. लिखो पार्ट बी, पार्ट बी कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट. कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट, 1 lakh 80 इंटू 10% प्लस 1 lakh 20 इंटू 16% होल डिवाइडेड बाय 1 lakh 80 प्लस 1 lakh 20 इंटू 100. वन लाख एटी प्लस 1 lakh 20 इंटू 100,
ठीक है ना, तो एवरेज इज कमिंग 6.20%. क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन का पार्ट बी डन. नाउ पार्ट सी, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी. पहली बात तो वॉट एवर इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग. तो हमें क्या निकालना है, के ई. के ई निकालने के लिए आपको फिलहाल तीन मॉडल पता है, कॉन्स्टेंट डिविडेंड मॉडल, कॉन्स्टेंट ग्रोथ मॉडल एंड सी ए पी एम मॉडल. सी ए पी एम का डिटेल दिया नहीं है, आर एफ वगैरह है नहीं क्वेश्चन में. कॉन्स्टेंट डिविडेंड है नहीं क्योंकि ग्रोथ रेट दिया है, तो ऑब्वियसली यू अप्लाई विच मॉडल, कॉन्स्टेंट ग्रोथ मॉडल. सिंपल लॉजिक है. अब सबसे पहले एक एक करके समझेंगे. लिखो आप नीचे पार्ट नंबर सी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग. कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग्स. ओके, तो क्या आएगा, के ई इज इक्वल टू डी वन अपॉन पी जीरो प्लस जी इंटू 100. के ई इज इक्वल टू डी वन अपॉन पी जीरो प्लस जी इंटू 100. एक सेकेंड, डी वन को ब्लैंक रखो, डी वन पता करेंगे. करंट मार्केट प्राइस तो दिख रहा है ना 44, ग्रोथ रेट कितना दिख रहा है 10% इंटू 100, करेक्ट है. अब डी वन पता करना है, एक सेकेंड, आपको इतना पता है अर्निंग 4 रुपीज है और उसका 50% डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो 4 रुपीज का 50% कितना हो गया 2 रुपीज, ये हो गया डी, डी जीरो प्लस ग्रोथ रेट चाहिए डिविडेंड में, तो 2 रुपीज प्लस 10% अगले साल का डिविडेंड कितना रहेगा 2.2, करेक्ट है. तो नीचे वर्किंग बताएंगे हम. एक काम करो, दो तीन लाइन छोड़ दो, वहाँ नीचे लिखना है डी जीरो इज इक्वल टू ई पी एस इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो. डिविडेंड पे आउट रेशियो 4 रुपीज इंटू 50%, दैट इज 2 रुपीज. चेक करो यहां पे बोर्ड पे, 4 रुपीज इंटू 50% दैट इज इक्वल टू 2 रुपीज. परफेक्ट. करेक्ट है ना. अब नीचे डी वन इज इक्वल टू डी जीरो 1 प्लस जी. डी वन इज इक्वल टू डी जीरो 1 प्लस जी, तो 2 इंटू 1 प्लस 0.10 दैट इज 2.20. समझ आ रहा है पक्के से, क्या ऊपर से आ रहा है. चैप्टर खत्म होते आ रहा है, सुन गया स्टार्टिंग विद न्यू चैप्टर है ना, क्रक्स खत्म हो गया इस चैप्टर. जो बचा, जो एकदम मेहनत वाला पार्ट है ना, कुछ बचा नहीं इसमें. अभी एक दो चीज़ें हैं जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एप्लीकेशन है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, वो सारी चीज़ें वो एक दो क्वेश्चन से आपके टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेस्ड, जो आपने सी ए फाउंडेशन सी पी टी में भी पढ़ा है, बट उसको थोड़ा सा और ग्रूमिंग अप करके देना है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. तो दैट आई टीच विद इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर. इन्वेस्टमेंट डिसीजन में डिस्काउंटिंग, कंपाउंडिंग, एनुइटी सिखाना पड़ता है. आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. आपको मैथमेटिक्स में था ही है, ओके, एंड यू नो इट वेल, बट स्टिल उसको थोड़ा सा सी पी टी सी ए फाउंडेशन के अलावा जो आप थोड़ा सा ग्रूम अप करके पढ़ेंगे, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस पढ़ोगे, तो उस ये दो क्वेश्चन उसका एप्लीकेशन है इसमें. आई हैव सीन दैट. तो बॉन्ड का एक वैल्यूएशन का एक है, एक इक्विटी शेयर वैल्यूएशन का है, ठीक है. तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में पहले स्टार्टिंग के 2-3 सेशंस तो उस पर चलते हैं. इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत बड़ा चैप्टर है, ओके. तो 2-3 ये चलेंगे जिसमें आपको पहले बेसिक्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी सिखाया जाएगा कि वाई मनी डिफर, व्हाट इज द रीजन कि प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू पैसों का अलग अलग होता है, इन्फ्लेशन रेट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो सब रीजन आपको मैं बताऊंगा, करेक्ट है. तो इस पे 2 क्वेश्चन बचा है जो एक्चुअली टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेस्ड है, फ्रेंकली, ओके. एंड एक जो क्वेश्चन था ना, हमने इसमें पिछले लिवरेज में छोड़ दिया कैपिटल स्ट्रक्चर वाला. अब कैपिटल स्ट्रक्चर अगला चैप्टर है, ये लाइन से चल रहा है. लिवरेज खत्म, कॉस्ट ऑफ कॉस्ट में कैपिटल, तो कैपिटल स्ट्रक्चर में वो क्वेश्चन कंप्लीट होगा जो हमने लिवरेज में मार्क किया था. वो वहाँ पे इसलिए प्रिंट किया क्योंकि इंस्टीट्यूट के मटेरियल में वैसा है, तो आपको लिंक रहेगा चीज़ों का, ओके. तो वो रीजन है. तो दिस चैप्टर इज कमिंग टू एन एंड, फ्रेंकली स्पीकिंग, ठीक है. अब उसमें से कल मोस्ट प्रोबली नया चैप्टर स्टार्ट होगा. कल कोई भी एब्सेंट रहेगा नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई भी नहीं, कंपलसरी सबने आना है.
थोड़ा लेट आउट चलेगा, 10 मिनट लेट आउट चलेगा, बट आना है, क्योंकि पहले 2 दिन पूरा बेस बनेगा चैप्टर का, ओके, उसके बाद फिर प्रैक्टिस। अभी देखो, अभी आपको ये सब नॉर्मल लग रहा है ना, अभी आपको नहीं, इसे कुछ अलग नहीं लग रहा है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग से किया है। चलो एनीवेज, ये बताओ 2.20 कितना है, के ई बताओ, 15%, करेक्ट। अब व्हाट इज द ओवरऑल एवरेज कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, एक सेकेंड, चलो अपन सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, केडी वाला, के ओ इज इक्वल टू केडी इनटू डी अपॉन डी प्लस ई प्लस के ई इनटू ई अपॉन डी प्लस ई, क्योंकि एवरेज निकाल दिया ना डेप का, अभी एवरेज ले लेंगे, तो अभी दो डेप नहीं लेना, एक ही लेना। केडी कितना आपका, 6 पॉइंट कितना आया था, एवरेज कॉस्ट कितना आया था, 20 ना, 6.20 इंटू डेट, डेट कितना, 3 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, 10 कर दिया मैंने, 3:10 प्लस 15% इंटू इक्विटी 7 डिवाइड बाय 10, डन हो गया ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 31, जहां पे एवरेजिंग आपको निकालना था, ओके। क्वेश्चन नंबर 18, सबका हो गया 18, ये 31 हो गया, अब 18 पे आना है। ये इसका आंसर बताओ, फाइनल आंसर क्या रहेगा, 12.36% राइट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द कंपनीज शेयर इज कोटेड इन द मार्केट एट 40 रुपीज करेंटली, मतलब ये क्या हो गया, P0, द कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ ₹2 पर शेयर एंड द इन्वेस्टर ग्रोथ रेट इज 10%, ओके। तो ₹2 हो गया पेज, मतलब करेंटली पेज, दैट इज D0, ओके, एंड ग्रोथ रेट इज 10%। वॉट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, के ई, ये सिंपल प्रैक्टिस क्वेश्चन है, लिखो फटाफट, लिखो 18 में लिखना है, पार्ट ए कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, पार्ट ए कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के ई इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस जी, अभी आपको ये आ जाना चाहिए, इंटू 100, के ई इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस जी इंटू 100, ओके। तो D1 कितना आएगा, ₹2 प्लस 10%, मार्केट प्राइस 40 प्लस ग्रोथ रेट 10% इंटू 100, ओके। व्हाट इज द आंसर, कितना, 15.5%, करेक्ट, पकड़न। अब देखो पार्ट बी, ग्रोथ रेट 11% हो गया तो मार्केट प्राइस क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो एक काम करेंगे, पार्ट बी लिखना है, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस इफ जी इज इक्वल टू 11%, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस इफ जी इज इक्वल टू 11%, ठीक है। तो अभी देखो गिवन डेटा लिख दो, जी इज इक्वल टू 11%, के ई ऊपर से आ गया, पहले ही निकाला हमने, कॉस्ट ऑफ इक्विटी फर्स्ट पार्ट में निकाला है, करेक्ट है ना, 15.5%,
D1 अभी चेंज होगा, कितना होगा 2.22, 2 रुपये प्लस 11%, ठीक है, कैलकुलेट 2 रुपीज़ प्लस 11% होगा ना 2.22, तो ये आपको क्या निकलना है, P0 मार्केट प्राइस कितना रहना चाहिए, परफेक्ट। चेक करो बोर्ड प्लीज, क्रॉस चेक करो, ग्रोथ 11% हो गया, के ई 15.5% हमने निकाला है, D1 अभी नेक्स्ट ईयर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 11% ग्रोथ, 2 रुपये प्लस 11%, दैट बिकम्स 2.22, ओके, तो अभी हम लिखोगे के ई इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस G इंटू 100, मत लिखो, बाद में देखेंगे, सब डेसिमल में रखेंगे, सबको डेसिमल में रखेंगे, परसेंटेज नहीं चाहिए, के ई 0.1550, 15.5 को डेसिमल में लिखा मैंने, चलेगा क्या, 2.2022 P0 प्लस 0.11, बोलिए व्हाट इज द मार्केट प्राइस, 49.33, मार्केट प्राइस पहले 40 था, ग्रोथ बढ़ गया तो मार्केट प्राइस बढ़ा, 49.33 हो गया, क्लियर लॉजिक है, आया क्या सबको, चेक करो बोर्ड पे, बिकॉज द एक्सपेक्टेशन हैज बीन द सेम, द इक्विटी इज एक्सपेक्टिंग द सेम बट विद अलॉन्ग विद द ग्रोथ रेट, okay, and secondly we don't have any other data available, question is not clear about KE, aap samajh rahe ho, question is not about clear about KE, so it's a part of the question na, jo pura dekho pehle do teen line jo hai wo question ka hi part hai, to aapko assumption lena padega, to fir obviously we would have incorporated, clear, nahi not required, not required, matlab it's assumed, question hi waisa design kiya hai, एक्चुअली ये सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट है, यहाँ पे मैथ चेक कर रहे हैं आपका और कुछ भी नहीं है फ्रेंकली, है ना, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है फिलहाल, आगे बढ़ो, सबको आएगा पार्ट सी, इफ द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अभी के ही दे दिया, अब देखो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दिया, कितना दिया 16% एंड द ग्रोथ रेट इज 10%, कैलकुलेट द मार्केट प्राइस इफ द डिविडेंड ऑफ 2 रुपीज इज टू बी मेंटेन, डिविडेंड 2 रुपीज ही रहेगा बट ओवरऑल ग्रोथ कितना रहेगा 10, शेयर प्राइस वगैरह इंक्रीज होने का, करें तो एक काम करो, लिखो आप है पार्ट सी, पार्ट सी कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस, ओके, अब यहां पे पहले जी लिख दो कितना परसेंट 10, के ई लिख दो कितना 16, डी लिख दो कितना रखना है 2 रुपीज ही रखना है, मेंटेन्ड है, 2 रुपये डिविडेंड मेंटेन कर रहे हैं प्लस ओवरऑल बाकी ग्रोथ हो रहा है, डिविडेंड में ग्रोथ नहीं हो रहा है, बाकी चीज में ग्रोथ हो रही है, ठीक है, तो अभी देखना है के ई इज इक्वल टू डी अपॉन P0 प्लस जी, पॉइंट 16 टू P0 0.10, आंसर है 33.33, बस ये सिर्फ कॉस्ट ऑफ इक्विटी का एप्लीकेशन है, ओके, तो 18th लिखते इंडेक्स, सबको आया 33.33, ओके, 18 में लिखना इंडेक्स, लिखना 18 का लिखेंगे, 31 का लिखेंगे, 18 पे आना है,
और किस पे आना है बेसिकली 31 पहले 18 एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टेंट ग्रोथ मॉडल फॉर डिफरेंट सिचुएशंस एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टेंट ग्रोथ मॉडल फॉर डिफरेंट सिचुएशंस एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टेंट ग्रोथ मॉडल फॉर डिफरेंट सिचुएशंस उसके बाद 18 के बाद 31 डिटरमाइनिंग द पैटर्न ऑफ रेजिंग एडिशनल फंड डिटरमाइनिंग द पैटर्न ऑफ रेजिंग एडिशनल फंड्स डिटरमाइनिंग द पैटर्न ऑफ रेजिंग एडिशनल फंड एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ डेब्ट एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट Average cost of debt. 19 का लिखा है कि index? हाँ लिखा है ना डन हो गया तो 19 हो गया अब एक काम करो क्वेश्चन नंबर 2020 आ जाना 20 पे बच्चन का क्वेश्चन है कल कौन बनेगा करोड़पति का फाइनल ग्रैंड फिनाले लेता आदमी देखा क्या टाइम मिला तुझे क्वेश्चन नंबर 20 आप बहुत बिजी हो बाकी लोग का वीकेंड कैसा गया क्लासेस में गया कितने बजे क्लास था सर कल 5:30 तक लेक्चर था Oh my God, I was not aware only. पहली बार सुना है मैंने तो. Okay, चलो question 20. Question 20 आ रहा है, simple है. अभी ये race question है, ठीक है? Race question मतलब ये पहला जो solve करेगा, okay. पहला जो solve करेगा, हम decide करते हैं, मैं देखता हूँ बाहर जाके, कुछ arrange हो सकता है तो. बाकी है तो पहला जो solve करेगा उसको silk मिलेगा पक्का मिलेगा मैं लेकर आता हूँ ठीक है एंड यू पहले कभी लेकर आऊंगा और अभी कभी लेकर आऊंगा सिल्क जो पहला सॉल्व करेगा WACC पे ओके एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ 5 मिनट्स टाइम बगैर कॉपी करे सही सॉल्व करना है Thank you.
I
Okay? Who has done? One. Both value approach. What's your good name? Shweta. Final answer. What is your final answer? So that we cross-check whether it's right or wrong. What is your final answer? Book value approach ka KE kitna hai? KO kitna hai? 13.928%. And this was book value. And market value approach? 14.586%. आपको चैप्टर देख के डर लगता रहेगा क्या चल रहा है ये, है ना? होता है, दैट्स नेचुरल, बिकॉज पहली बार सब डर गए थे, अभी सब खत्म कर रहे हैं उसको प्रॉपर. 13.928% एंड 14.586%, देखते हैं आंसर सही है गलत है पता नहीं. क्वेश्चन 20. Okay, market value approach kab se 14.66 aur book value ka same wahi ho gaya 93, but ye alag hai, market value alag hai, dekhte hain. Okay. राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है और सब अपने अपने आंसर दे दो एक बार. ठीक है, देखते हैं. सबसे पहले केई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, विच मॉडल दे आर यूजिंग? कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल. ठीक है, डी वन अपॉन पी जीरो प्लस जी इंटू 100. तो ये डी वन क्या है? 3.6 अपॉन पी जीरो 40. ग्रोथ रेट इज 0.07 इंटू 100. अरे बोलो आंसर कितना है? कही 16%. सबको 16 आया. कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, करेक्ट है, दैट विल कम अप. KP इज इक्वल टू PD प्लस RV माइनस NP डिवाइड बाय N होल डिवाइड बाय RV प्लस NP डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100. PD, अब PD कितना है? प्रेफरेंस डिविडेंड इज 11% ऑफ 100 रुपीज 11 प्लस RV कितना है? 100 सेलिंग, करंटली सेलिंग 75 डिवाइड बाय 10 इयर्स होल डिवाइड बाय 100 प्लस 75 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100. आंसर बोलो. 15.4288%. ओके, ये हो गया केपी. उसके बाद एक सेंस, सबको केपी आ गया क्या? आया ना, 15.428% आया. ओके, उसके बाद कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज सेम एज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, करेक्ट है, ये सेम आएगा. उसके बाद कॉस्ट ऑफ डिवेंचर केडी आई वन माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइड बाय एन होल डिवाइड बाय आर वी प्लस एन पी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100. अब आई कितना आपका? 13.5. वन माइनस टैक्स रेट कितना है? टैक्स रेट 40 कितना दिया? नेक्स्ट पेज पे 40%. ओके, एंड उसके बाद प्लस आर वी रिडीमेबल वैल्यू कितनी है डिवेंचर्स की? 100 रुपये माइनस 80 रुपीज डिवाइड बाय 6 ईयर्स होल डिवाइड बाय 100 प्लस 80 डिवाइड बाय 2 इंटू 100 कितना परसेंट आया? 12.70% केडी हो गया. टर्म लोन केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स रेट. इंटरेस्ट रेट इज 15%
वन माइनस टैक्स रेट इज 0.409% जीरो 9% आएगा आंसर, खत्म हो गया। अब इंडिविजुअल कॉस्ट के बाद आपने क्या स्टार्ट किया, WACC बेस्ड ऑन बुक वैल्यू एंड WACC बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू, करेक्ट है। तो अब देखना है सिंपल, सोर्स बुक वैल्यू करेक्ट है, वेट्स इंडिविजुअल कॉस्ट एंड KO, सोर्स में पांचों सोर्स है, इक्विटी शेयर कैपिटल करेक्ट है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग भी आएगा 13.5%, डिबेंचर भी आएगा एंड 15% लोन भी आएगा, राइट। अब यह देखना है इक्विटी में कितना आपका बुक वैल्यू, वही आएगा 15 करोड़, 1 करोड़, 20 करोड़, 10 एंड 12.5 करोड़ रुपीज इन क्रोर्स लिखोगे यहाँ पे, करेक्ट है। टोटल कितना आया 58.5 करोड़, 15 बाय 58.5, 1 बाय 58.5, 20 बाय 58.5, 10 बाय 58.5 एंड 12 बाय 58.5। व्हाट इज द फाइनल आंसर हियर, टेल मी, KO बताओ डायरेक्ट, 13.93%, क्लियर हो गया, 13.93% आ गया सबको आंसर, कितने लोगों को सही आया हाथ ऊपर। अब मार्केट वैल्यू बताओगे, सुनो मेरी बात, मार्केट प्राइस 40 रुपीज़ है, पहले कितना था 10, 4 गुना बढ़ गया तो 60 करोड़ हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60 करोड़, मार्केट वैल्यू की बात चल रही है 60 करोड़। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर 1 करोड़ था, 100 रुपये का 75 रुपीज़ हो गया तो 0.75 करोड़, ओके। रिटेन अर्निंग हम लेंगे नहीं, कौन सा अप्रोच है, मार्केट वैल्यू अप्रोच, रिटेन अर्निंग लेना है कि नहीं लेना है, नहीं लेना है, करेक्ट है बात। उसके बाद डिबेंचर आप देखोगे 80 रुपीज़ हो गया तो 8 करोड़ हो गया एंड लोन इज 12.5 करोड़, टोटल बताओ मुझे 81.25 रुपीज़ करोड़, ओके। तो वही आएगा 60 डिवाइड बाई 81.25, वॉट इज KO फाइनली 14.593%, परफेक्ट चलेगा। तो दिस वॉज योर क्वेश्चन 20 डन, ओके। वहाँ पे लिखना 20 में इंडेक्स, ट्वेंटी में लिखना है WACC प्रैक्टिस क्वेश्चन है, WACC प्रैक्टिस क्वेश्चन, WACC प्रैक्टिस क्वेश्चन, ओके। अब हम आ रहे हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 29, 29 पे आ रहे हैं, 29, ये इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है, ICAI मटेरियल का क्वेश्चन है, ब्रैकेट में ICAI लिखे तो भी चलेगा, 29 इज ICAI मटेरियल, 30, 31, 32 इज ICAI मटेरियल, लास्ट 4 क्वेश्चन ICAI मटेरियल से लिया हुआ है, प्रैक्टिस सेशन से, ओके। तो लिखा तो भी चलेगा इंस्टीट्यूट ICAI। अब क्वेश्चन 29, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ बेस्ट लक लिमिटेड यूजिंग द बुक वैल्यूज एंड द मार्केट वैल्यू वेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ऑलरेडी बुक वैल्यू दे दिया और मार्केट वैल्यू दे दिया, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू, देखो रिटेन अर्निंग डैश कर दिया मार्केट वैल्यू में, समझ में मेरी बात, बिकॉज दैट इज ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड इन इक्विटी, इक्विटी बढ़ गया देखो, ओके। तो आप देखना है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अभी आपको इंडिविजुअल कॉस्ट तो निकालना पड़ेगा, इंडिविजुअल कॉस्ट निकालना पड़ेगा, KD, KE, KP सब निकालना पड़ेगा, ओके। इक्विटी शेयर्स आर कोटेड एट 130 रुपीज़ पर शेयर एंड द न्यू इशू प्राइस एट 125 विल बी फुल बी सब्सक्राइब, भले मार्केट में 130 रुपये में है, हम बेच रहे कितने में 125, और हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है 5 रुपीज़, तो हमें नेट पैसा कितना मिला 120, क्लियर लॉजिक है ना, ओके। तो आप कंसिडर कितना करोगे 130, 125 या 120, एग्जाम में यही कन्फ्यूजन होता है, सो 130 लें, कोई 130 लेके आ जाता है, कोई 125 लेके आता है, बहुत कम लोग कितना लेते हैं 120, सोचते नहीं है, करेक्ट है। अभी आपको लग रहा है अरे ये तो क्या, ये तो मालूम था, बट जब इतने सारे सब्जेक्ट मैनेज करना है ना, और ये एडजस्टमेंट फिर इतने सारे चैप्टर्स है, टॉपिक्स है, तो तब आपका रिविजन मैटर करेगा,
सिंपल लॉजिक है, ठीक है. डिविडेंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर्स डिविडेंड आर स्टडीली इंक्रीजिंग फ्रॉम रुपीज 10.6 टू 14.19. मतलब ग्रोथ रेट पता करना पड़ेगा हमें. क्या पता करना पड़ेगा? ग्रोथ रेट. करेक्ट है. देखेंगे हम ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं. ग्रोथ रेट का फॉर्मूला है, मैंने आपको बोला टाइम वैल्यू ऑफ मनी में मैं सिखाऊंगा, बट अभी आपको मैं टेबल मेथड से बता दूंगा. टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम करेंगे. ओके. डिविडेंड एट द एंड ऑफ द करंट ईयर इज टू बी 15 रुपीज. मतलब D1 ऑलरेडी दे दिया है. D1 है, P0 है. क्या नहीं हमारे पास? जी. क्या नहीं हमारे पास? जी. जी हिडन है. किधर हिडन है? 10.6 टू 14.19 में हिडन है. पता करेंगे कैसे करना है, देखते हैं. उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स विद अ फेस वैल्यू वुड बी रियलाइज्ड 105 पर शेयर. उसके बाद डिबेंचर द कंपनी प्रपोजेज टू इशू 11 ईयर 15% डिबेंचर, बट द यील्ड ऑन डिबेंचर ऑन सिमिलर मेचोरिटी एंड रिस्क इज 16%. फ्लोटेशन कॉस्ट इज 2%. 2% खर्चा हो रहा है. टैक्स रेट इज 35%. इग्नोर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. करेक्ट है. तो आपको क्या निकालना है? WACC. बट आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? इंडिविजुअल कॉस्ट. बुक वैल्यू ऑलरेडी दे दिया है, मार्केट वैल्यू ऑलरेडी दे दिया है. अरे यस और नो? देखो सिंपल, सबसे पहले सुनो, अगर 10.6 की चीज 14.19 हो गई, 10.6 रुपीज का डिविडेंड 5 साल में कितना हो गया? 14.19. तो 1 रुपए का डिविडेंड 5 साल में कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 रुपए के कंपैरिजन में. अरे यस और नो? अगर 10.6 रुपीज का डिविडेंड 14.19 हो जाता है तो 1 रुपए का डिविडेंड 5 साल बाद कितना होगा? तो x इज इक्वल टू 1 × 14.19 डिवाइड बाई 10.16. कोई लिखेगा नहीं, मेरे साथ समझना है. कितना आ रहा बोलो? 1.38 something. करेक्ट है बात. अब ये देखो, सुनो मेरी बात. 1 रुपए की चीज 5 साल बाद कितनी होगी? 1.38. अब आपको टेबल दिया जाएगा, ये आपकी मॉड्यूल से टेबल मैंने ओपन किया है. ओके. फ्यूचर वैल्यू टेबल. 1 रुपए की फ्यूचर वैल्यू क्या है? कंपाउंड करके आगे जाके आप पढ़ने वाले हो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बट अभी मैं टेबल मेथड समझा रहा हूँ. अब ये बात तो कंफर्म होगी 5 ईयर्स है, 5 साल था ना. करेक्ट है. अब ये 1.3838 ये कहाँ दिख रहा है आपको? 6%. मतलब ग्रोथ रेट इज 6%. कैन वी टेल द डिविडेंड ग्रोड एट 6%? यस. कैसे? कैलकुलेटर लेना है, सबने कैलकुलेटर लेना है. 10.6 प्लस 6% फर्स्ट ईयर, प्लस 6% सेकेंड ईयर, प्लस 6% थर्ड ईयर, प्लस 6% फोर्थ ईयर, प्लस 6% फिफ्थ ईयर. लगभग 14.19 आ रहा है. अरे हाँ या नहीं? लगभग थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है. इसका मतलब डिविडेंड ग्रो क्या रेट से हो रहा है? 6%. अभी तक सारे क्वेश्चन में ग्रोथ रेट दिया था, अभी आपको ग्रोथ रेट सर्च करना है. Are you able to understand? ग्रोथ रेट सर्च कैसे करोगे? पास्ट डिविडेंड को स्टडी करके. पहले डिविडेंड क्या रेट पे ग्रो हुआ स्टडी करके आगे का ग्रोथ रेट अज्यूम करोगे. अरे हाँ या नहीं? करेक्ट है. तो यही एक हिडन एडजस्टमेंट था बड़ा. और एक दो इस क्वेश्चन में है चीज है, लिखो आप इलास्ट्रेशन 29. कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल कॉस्ट. कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल कॉस्ट. अब देखो मजा आएगा आपको इस क्वेश्चन. थोड़ी नई चीज सीखे हैं, 2-3 चीजें नहीं है इसमें, ठीक है. कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल कॉस्ट. पहला, कॉस्ट ऑफ इक्विटी. कॉस्ट ऑफ इक्विटी मेरे साथ ही करना. सिंपल है बट एक दो नए एडजस्टमेंट है, ठीक है ना. कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ई इज इक्वल टू D1/P0+G × 100. के ई इज इक्वल टू D1/P0+G × 100. अब ये देखो, D1 ऑलरेडी दे दिया उन्होंने, क्वेश्चन में चेक करो कितना दिया है, 15 रुपीज. सेकेंड पॉइंट पढ़ो,
the dividend at the end of the current year is expected to be 15. So you already there. Correct? Divided by P0. What is the market price? 125 market price hai, but 5 rupees kharcha ho raha hai. Market price, matlab se issue kitne mein kar raha hai? 125. Market price pehle 130 hai. But really speaking, we are selling at 125 and we are incurring 5 rupees cost. Net kitna mila hame? 120 rupees. Plus, abhi growth rate filhal 0.06 likho. I'm likhing iski working. Abhi growth rate 0.06 likho. Iski working likhenge. Kaisa aaya hai? Isko chitra se star karo. Niche working aayega iska. Into 100. Bolo, kitna aaya? हाँ अरे बोलो ना एटीन पॉइंट फाइव परसेंट चेक करो डन है. अब देखो क्वेश्चन के ऑर्डर में चलना है. सोर्स इक्विटी दिया है हमने कहीं ही निकाल दिया. रिटेन अर्निंग का क्या रहेगा? रिटेन अर्निंग भी सेम आएगा ना. अरे बट मेरी बात समझो, इक्विटी इश्यू करते समय खर्चा हुआ, कॉस्ट फ्लोटेशन कॉस्ट है, बट रिटेन अर्निंग को क्या खर्चा है? कुछ भी नहीं है, वो एफ का डिफरेंस है, फ्लोटेशन कॉस्ट का डिफरेंस है. तो अभी आपको रिटेन अर्निंग अलग से निकलना पड़ेगा. दोनों का सेम ही है, बट फ्रेश इक्विटी पर खर्चा होगा, आईपीओ का खर्चा है, बट रिटेन अर्निंग को कुछ भी एक्सपेंस नहीं कंपनी के लिए. तो थोड़ा डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा. तो नीचे लिखो पार्ट बी, ये नया एडजस्टमेंट है आपका, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स. Cost of retained earnings. Same way. KE is equal to D1 upon P0 plus G into 100. D1 dividend is 15. P0 125 लेंगे हम, क्योंकि अगर हमने कहीं ना कहीं क्या किया है, रिजर्व्स बांटा है, ठीक है, अभी आप फ्लोटेशन कॉस्ट एडजस्ट नहीं होगा क्योंकि रिटेन अर्निंग इशू करने का कोई खर्चा ही नहीं है. ओके, प्लस जी 0.06 इंटू 100 करो सॉल्व. 18% आ रहा है यहाँ पे, चेक करो 18%. अब आप जी का कैलकुलेशन लिखोगे, थोड़ा सा नोट, 18% आ गया सबका. अब नोट लिखो, नोट नोट, ठीक है ना, नीचे नोट लिखो. डिविडेंड वॉज 10.6, डिविडेंड वॉज 10.6 विच इंक्रीज्ड टू 14.19 which increased to 14.19 over 5 years, 5 साल लगे, correct है. Therefore, in comparison to rupee 1, rupee 1 will increase to 14.19 divided by 10.60, that is equal to 1.338. 1 rupee ki comparison mein 5 saal mein 1 rupee kitna ho jayega? 1.338. okay, 1 rupee se cross multiply karke humne dekha. Ab niche By referring future value table, देखो time value of money हम पढ़ने वाले हैं, आएगा, but थोड़ा time है. Future value table, okay, we can state that G is equal to, growth rate is equal to 6%.
we can state that G is equal to 6%. Perfect. ये हो गया आपका cost of equity खत्म, cost of retained earning खत्म. अब क्या आएगा? Cost of preferences. अरे हाँ या नहीं? नीचे आ जाओ, एक line leave करो. Preferences कौन से है? Redeemable है? Irredeemable. Irredeemable. Number of years दिया? नहीं है. Correct है? तो leave one line. Write down part C. Cost of preferences. Cost of preference shares. Cost of preference shares. Okay, वहाँ पे आएगा. KP is equal to PDA divided by NP into 100. ₹15 divided by 105 into 100. कितना आ रहा? 14.285% आ रहा है क्या? चेक करो. एक एक एडजस्टमेंट आराम से ले रहा हूँ मैं अभी फिलहाल. ओके, ये आप चैप्टर के एंड पर बैठे हम. ओके, 14.285% ये हो गया. उसके बाद नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर. कॉस्ट ऑफ डिबेंचर अब देखना पड़ेगा थोड़ा सा. A company proposes to issue 11 year, N is equal to 11. Rate of interest, I is equal to 15. Okay, agar assume kar 100 rupees per debenture. But yield on the maturity on the similar risk and maturity risk is 16%. Abhi aapko kya karna hai, decide karo. Chalo, try karo. Kya aega, KD batao. Apne man se karo. क्या आएगा केडी? अरे बताओ बताओ, व्हाट इज केडी? कितना है केडी? आंसर गलत तो गलत यार, किसको हम जस्टिफाई करें? सीख रहे ना, बोलो. 9.35, 10.03 दो आंसर आ गए. और कितना लोगे? 16% लोगे, 15 लोगे? आए कितना लोगे? 15 या 16? 15 ही लेंगे. भले मार्केट में बाकी लोग 16% दे रहे, हमने 15% का वादा किया और डिवेंचर होल्डर उससे खुश है, तो हम क्या करें? Are you able to understand? वो confusion के लिए लिखा है. देखो, company proposes to issue 11 year 15% debenture. Company खुद बोल रही है हमने 15% का debenture issue किया. But the yield on the debenture on similar risk and maturity is 16. Generally लोग 16% कमा रहे हैं उस debentures पे, जिन्होंने debenture में पैसा लगाया. But हमने कितना वादा किया? 15%. Correct है बात? तो averaging वो 16% कमा रहे हैं, हमें मतलब नहीं है. But हम कितना pay कर रहे हैं? 15%. तो हमारे लिए आय कितना रहेगा? 15 रुपीज रहेगा. सिंपल लॉजिक है. तो सीधे से आंसर यहाँ पे लिखा देगा क्लियरली. 10.95 है. लेट्स सी व्हाट इज व्हाट दे हैव डन हियर. लेट्स सी, आई कितना है? 15 रुपीज. अरे यस और नो? करेक्ट है, 15 रुपीज. 1 माइनस
टैक्स रेट, 1 माइनस टैक्स रेट अगर आप देख रहे हो 0.35, यहां तक सही हो गया, करेक्ट है। आरवी अपने 100 ले लिया, ओके, और नंबर ऑफ इयर्स कितना लिया अपने 11, यहां तक सही है। सिर्फ किधर चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है सिर्फ एनपी, रियली स्पीकिंग कितना चेंज हो रहा है एनपी, कौन सा वाला, नेट प्रोसीड्स, ओके। ये यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट है अगेन फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ओके। तो फिर भी हम बात करते हैं, एक काम करो, यू टेक दिस नंबर एज इट इज, आपकी गलती नहीं उसमें, आपने एनपी जो लिया रहेगा लेगा, आपने 98 लिया रहेगा, 100 माइनस 2% किया रहेगा, येस और नो? अरे हाँ येस और नो, बट दिस वर्किंग विल बी डिस्कसिंग एट सम अदर टाइम, इसको पेंडिंग रखना आपने, क्योंकि टाइम वैल्यू एप्लीकेशन आएगा। आई मे टीच टाइम वैल्यू टुमारो ऑल्सो, मैं सोच रहा हूँ, पर मैं बताता हूँ कि मैं कल के चैप्टर में ही टाइम वैल्यू पहले थोड़ा पढ़ा देता हूँ, तो ये एडजस्टमेंट क्लियर करेंगे आप, ठीक है। ये आप लिखो, सिर्फ आपको इसका लॉजिक नहीं समझा तो भी चलेगा, लिख लो। आया कैसे मैं बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, सिर्फ लिख लेना अभी और इसको पेंडिंग रखा चलेगा। लिखा, चेंज होगा 10 पॉइंट, कितना हो गया 95%। फिलहाल आपको ये पेंडिंग है, कौन सा पेंडिंग है, 91.75, ये वाला अमाउंट पेंडिंग है, सिर्फ आपने क्या किया है, कॉपी किया है, ठीक है ना, बात बाकी आपका हो गया है। अब ये 91.75 के लिए वेट करना है आपको, ओके। तो अभी आपने सिर्फ लिखा कि केडी निकाल दिया 10.95, बाकी सबका सब सही, सिर्फ एनपी में आपको उसका इम्पैक्ट पढ़ना है, कौन सा, 16%। आई 15 ही रहेगा, आई कितना रहेगा, 15 ही रहेगा, चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ एनपी। क्लियर लॉजिक है, सुनो क्या लॉजिक है, मैं आपको बताता हूँ, लॉजिक ये है, कंपनी 15% ही दे रहा है, बट इंडस्ट्री में हमें कितना मिल रहा है, 16%, तो कम मिल रहा है, तो हम पैसा देते समय डिस्काउंट पे देंगे या प्रीमियम पे देंगे, डिस्काउंट। अरे जो चीज़ मुझे सिर्फ 15 रुपये दे रही है, मार्केट में 16 रुपये कमाई है, तो तुम 15% दे रहे हो, तो एक काम करो, 100 रुपये की चीज़ थोड़ी डिस्काउंट पे दो। अब वो कैसे कैलकुलेट करते हैं डिस्काउंट का इफेक्ट, ओके, वो आपको सीखना है टाइम वैल्यू ऑफ मनी एप्लीकेशन। बट लॉजिक समझा क्या करना चाह रहे हैं, लॉजिक ये है कि कंपनी सिर्फ 15% दे रही है, इंडस्ट्री 16% दे रही है, तो हमें 15 दो, बट एक काम करो, डिबेंचर हमें डिस्काउंट में इश्यू करो, तो हम अल्टीमेटली इफेक्टिवली हमें क्या मिल जाएगा, 16%। नहीं समझा, देखो सिंपल, देखो यहां से एक एग्जाम्पल लेते हैं, कंपनी ए कंपनी बी, दोनों का फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर 100 रुपये, 100 रुपये, ये 16% कमाई दे रहा है, ये 15% दे रहा है, तो हम इसको 100 रुपये देने को रेडी है, बट हम इसको क्या बोल रहे हैं, यू आर गिविंग लेस इंटरेस्ट, तो ये थोड़ा सा डिस्काउंट कर दो भाई, 96 कर दो, एग्जाम्पल 96 कर दो, क्योंकि हमारा ऑलरेडी आप क्या दे रहे हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम, तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है, मतलब मेरी इनकम कम हो रही है, तो ये कंपेंसेशन कैसे मिलेगा, बाय गिविंग डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स। अब हाउ टू कैलकुलेट दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, बट वाई डिड इट, ये आपको समझ में आया अभी, नहीं समझा अभी भी, नहीं समझा, नहीं समझा, समझा ना, बट इसको कैलकुलेशंस करना टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ सीखना है, तो उसको सिर्फ 91.75 लिख दो और कैलकुलेट करके खत्म करो, आप क्या लिखोगे, डब्ल्यू ए सी सी, करेक्ट है, डब्ल्यू ए सी सी बेस्ड ऑन बुक वैल्यू अप्रोच, लिखो। इस क्वेश्चन में 2-3 एडजस्टमेंट नहीं दिया, ओके, डब्ल्यू ए सी सी बेस्ड ऑन बुक वैल्यू, डब्ल्यू ए सी सी बेस्ड ऑन बुक वैल्यू, सोर्स बुक वैल्यू, सोर्स बुक वैल्यू, वेट्स इंडिविजुअल कॉस्ट एंड क्यू। आपका टेस्ट आने वाला है 3 चैप्टर के बाद, ठीक है ना, नेक्स्ट वीक में आपका टेस्ट रहेगा, नहीं वो डिसाइड करेंगे, वो डिसाइडेड नहीं है, ठीक है ना, टेस्ट आएगा 3 चैप्टर होने के बाद आएगा, ओके। सोर्स बुक वैल्यू, वेट्स इंडिविजुअल कॉस्ट एंड केओ, ओके। सोर्स में इक्विटी, इक्विटी ऑलरेडी 1,20,00,000 का बुक वैल्यू दिया है, रिटेन्ड अर्निंग
कितना है? 30 लाख का दिया है, 30 लाख का दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्या था यहाँ पे? प्रेफरेंस शेयर्स 36 लाख एंड डिबेंचर्स 90 लाख। टोटल चेक करो, 9 लाख है क्या? ओके 9 लाख। कैटेगरी आई नहीं इसमें, कॉल कर रहा हूँ। हाँ 9 लाख। अब वेट, ये टोटल बताओ, टोटल 1 करोड़ 95 लाख, 1 करोड़ 95 लाख। वेट्स 120 / 195, 30 / 195, 36 / 195, and 9 / 195. चलो बताओ इंडिविजुअल कॉस्ट बताओ। फिर 18% के प्रेफरेंस शेयर्स कितना था? 14.285%। डिबेंचर्स 10.95, करेक्ट। हाँ बोलो, व्हाट इज केओ एज पर बुक वैल्यू अप्रोच? हाँ हाँ 25.04%। वही मैं सोचा था कितना, अरे भाई 18% का फंड है मैक्सिमम, ऐसे नहीं, कोई बात नहीं, 17.09%, करेक्ट है क्या? 29%, 17.29%, 25% नहीं देना अपने को, 18% तो अपन मैक्सिमम दे रहे हैं, ठीक है ना, एवरेज कम होना चाहिए, तो 17.29% बुक वैल्यू अप्रोच। सेम वे मार्केट वैल्यू अप्रोच आप सॉल्व करोगे, मार्केट वैल्यू दिया ऑलरेडी आपके पास, करेक्ट है बात, तो मार्केट वैल्यू अप्रोच आएगा, अरे रुको रे, मार्केट वैल्यू अप्रोच सोर्स, मार्केट वैल्यू सोर्स, मार्केट वैल्यू वेट्स, इंडिविजुअल कॉस्ट, केओ, केओ एओ नहीं, केओ, सम चेंज इन दिस, ठीक है ना, आप करो सॉल्व, मैं आपको चेंज कराऊंगा आराम से कल डिस्कस करेंगे, पहले आप आपके हिसाब से सॉल्व करो। सॉल्व
डोंट वरी इट विल बी गेटिंग चेंज्ड, आप करो, एक ही एडजस्टमेंट है, मजा आएगा. ठीक है ना, यू कंप्लीट दिस टुमारो, आई विल बी डिस्कसिंग दिस पार्ट, दिस इज पेंडिंग. ओके, टुमारो इमीडिएटली विल कम एंड डिस्कस. देयर इज वन हिडन एडजस्टमेंट विच आई विल टेल यू टुमारो, इट्स इन इक्विटी. ओके, और रीजन है कि रिजर्व्स का कॉस्ट अलग है और इक्विटी का कॉस्ट अलग है, कई अलग अलग है ना. अरे हाँ या नहीं, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज डिफरेंट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज डिफरेंट. आप बोलोगे सर रिटेन अर्निंग लिया नहीं है बट ऑलरेडी उसका इम्पैक्ट इक्विटी पर आया है, तो कुछ तो हिडन एडजस्टमेंट है जो आपको नहीं आया तो भी चलेगा. इट्स नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, विल बी डिस्कसिंग इन टुमारो सेशन. ओके, कल हम कॉस्ट ऑफ पूरा कंप्लीट करेंगे, अगर जमा तो कैपिटल स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे. ओके, तो वी हैव लेफ्ट विथ 3-4 क्वेश्चंस एंड एक वो टाइम वैल्यू मनी एप्लीकेशन देखना है, तो मैं डिसाइड करता हूँ क्या करना है. ओके, आज के लिए इतना ही. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय माता दी. थैंक यू.